सब्सक्राइब करें आरजे टेक्नोलॉजी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं आरजे टेक्नोलॉजी और मैं हूं आपका दोस्त मोहित राज। दोस्तों मैं आज आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद अभी तक यूट्यूब पे ऐसी कोई वीडियो नहीं है, ना इसको लेके किसी ने सोचा है कि हाँ ऐसी भी वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग में आया जब मैं एक जर्नी कर रहा था उस टाइम कि स्पीड किसी भी वाहन की हम स्पीड अपने मोबाइल से कैसे पता करेंगे। जैसे अगर हम बाई चांस उसका मीटर नहीं देख पा रहे, हमारी बाइक है, हमारी कार है या कुछ भी है, मीटर खराब है स्पीड मीटर, और वो गाड़ी चल रही है हमारी बाइक या गाड़ी या ट्रेन वगैरह कुछ भी है, तो उसके हम मीटर वो जो सॉरी स्पीड है जो कि कितनी स्पीड पर आवर कितने किलोमीटर पर आवर चल रही है ये, तो उसको हम अपने मोबाइल से कैसे पता करेंगे इसके बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। नॉर्मली आप किसी भी वाहन की स्पीड पता कर सकते हैं इससे, लेकिन उस वाहन के अंदर आप बैठे हुए होने चाहिए या बाइक है तो उसके ऊपर आप बैठे हुए होने चाहिए और आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तभी आप ये सब काम कर सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड करना मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों ज़्यादा बड़ी ऐप नहीं है इसकी, मतलब खास बात ये है कि सिर्फ 1.5 MB की ऐप है, 1.5 या 2 MB की है बस, इससे ज़्यादा नहीं है, 2 MB से ज़्यादा नहीं है। तो इसको डाउनलोड करना मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम इसे यूज़ करना सीख लेते हैं। जैसे हम अगर इस ऐप को खोलते हैं तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है, ये हमारी लोकेशन ऑन करने को बोल रहा है, तो हम अपनी लोकेशन है वो ऑन कर देंगे बस। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, इस ऐप को डायरेक्ट खोल लेना है। थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलेगी आपकी, थोड़ी देर प्रोसेसिंग चलने के बाद आपकी ये स्पीड दिखाने लगेगा। जैसे देखिए दोस्तों अभी ये स्पीड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैं अपने हाथ से मोबाइल हिला रहा हूँ। तो देखिए अगर मैं मोबाइल को रख देता हूँ कहीं, देखिए दोस्तों अगर एक जगह ये फोन रखा हुआ है तो 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है, लेकिन मैं अभी कमरे में बैठा हुआ हूँ, आपको दिखा भी नहीं सकता, इसलिए मैंने इसका ट्रेन में ट्रायल किया था, वो वीडियो आपको मैं पूरी दिखाता हूँ। तो आगे देखिए उसे, देखिए दोस्तों ये अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, तब का ये मीटर चल रहा है आपका स्पीड मीटर, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। देखिए जैसे जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ती जा रही है दोस्तों, वैसे ही इसका जो मीटर है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए अब 38, 36। तो दोस्तों ये आपके जो मोबाइल की मोबाइल से बाइक कार या किसी की भी स्पीड जानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है ये, बिना मोबाइल गाड़ी के या किसी के बिना मीटर को देखे आप अपने मोबाइल से ही स्पीड जान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अभी थोड़ी देर और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें, और आप देख सकते हैं मैं ट्रेन में हूँ, मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन करके दिखाता हूँ इसे बैक करके। जैसे देखिए दोस्तों अभी मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, ये ट्रेन चल भी रही है, आप देखिए दोस्तों देखते हैं इसकी स्पीड कितनी बढ़ चुकी है, काफ़ी तेज़ हो गई है ट्रेन। देखिए दोस्तों कमाल की ऐप है ये, बहुत कमाल की ऐप है दोस्तों। देखिए अब 66 किलोमीटर, चलिए तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ इसे, बाकी रिकॉर्डिंग मैं घर पे चल के करूँगा। तो दोस्तों बात आती है इसे डाउनलोड करने की, तो इसे हमें डाउनलोड कैसे करना है उसके बारे में बता दें। तो सिंपली आप अपना प्ले स्टोर खोल लीजिए, प्ले स्टोर खोलने के बाद हमें प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में लिखना है जीपी स्पीड और इसको सर्च कर देना है। जीपी स्पीड को यदि आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की ऐप दिखाई देंगे। इसमें मैंने तीसरे नंबर की ऐप डाउनलोड कर रखी है जिसका नाम है जीपीएस स्पीडोमीटर, तो आप इसे ही इंस्टॉल कीजिए क्योंकि ये सबसे अच्छी है इनमें, बाकी ये बेकार है, मैं यूज़ करके देख चुका हूँ। तो अगर हम इसको इस पर टैप करके यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका थंबनेल है वो आप देख लीजिए ढंग से, क्योंकि दूसरी आपको आप डाउनलोड ना कर लें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अगर पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करना तो बनता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों अगली बार फिर मिलते हैं नई ट्रिक और टेक्नोलॉजी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखिए।